तो एसिड और बेस को डिफाइन करने के लिए हम लोग जो कॉन्सेप्ट लेंगे उसमें तीन कॉन्सेप्ट आते हैं। पहला कॉन्सेप्ट आता है आर्गेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट, सेकंड है ब्रांसेट लॉरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट और थर्ड है लुइस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहला जो हमारा वीडियो है इस पर हम लोग चर्चा करते हैं आर्गेनियस कॉन्सेप्ट जो पहला है हमारा आर्गेनियस कॉन्सेप्ट, और इसमें एसिड को डिफाइन किया गया है एसिड्स आर दोज सब्सटेंस व्हिच गिव हाइड्रोजन आयन इन इट्स एक्वस सोल्यूशन। मीन एसिड दूज सब्सटेंस व्हिच गिव हाइड्रोजन आयन इन इट्स एक्वस सोल्यूशन। एग्जाम्पल मैं अभी देता हूं, पहले हम लोग बेस को भी डिफाइन कर लेते हैं। दूज सब्सटेंस व्हिच गिव हाइड्रोक्सी आयन इन इट्स एक्वस सोल्यूशन। ये दो डिफिनेशन हो गए एसिड और बेस की, जिसमें एसिड को कहा गया है दो सब्सटेंस व्हिच गिव्स हाइड्रोजन आयन इन इट्स एक्वस सोल्यूशन। एग्जांपल की अगर हम लोग बात करें तो एग्जांपल इसमें आता है HCl है, HNO3 है, H2SO4 है, और अगर हम इसमें एग्जांपल की बात करें तो हमारा NaOH है, KOH है, और ये आपका जो है बेस के लिए रिफाइंड हो गए एग्जांपल हो गए। तो यहाँ पर तो बच्चों अगर हम लोग बात करते हैं इसकी, जैसे एक्वस सॉल्यूशन में हम HCl ले लेते हैं, तो एक्वस मीडियम में H+ और Cl- ये देता है, क्योंकि HCl एसिड है, इसलिए क्योंकि एक्वस मीडियम में हाइड्रोजन आयन देता है इसलिए हम इसको एसिड कहेंगे। सेम है अगर हम लोग NaOH की बात करें और इसको हम एक्वस मीडियम में लें तो ये बनाता है Na+ + OH-। तो NaOH बेस हुआ इसलिए क्योंकि ये एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्सिल आयन देता है। तो इस तरह से एसिड और बेस को हम डिफाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू आर्गेनियस कॉन्सेप्ट। आर्गेनियस कॉन्सेप्ट में एसिड और बेस को डिफाइन करने के लिए बेसिक डिफिनेशन होती है दोज सब्सटेंस व्हिच गिव हाइड्रोजन आयन इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन एंड दोज सब्सटेंस व्हिच गिव हाइड्रोक्सिल आयन इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन। एग्जांपल की बात किया तो HCl, HNO3, H2SO4 ये सब के एग्जांपल हो गए, NaOH, KOH ये सब होते हो गए बेस के। यहाँ पर देखिए बच्चों मैंने आपको दिखाया कि HCl जो हमारा है वो आपका एक्वस मीडियम में H+ दिया, H+ देने के कारण ये हमारा हो गया एसिड, और ये जो है NaOH है वो हाइड्रोक्सिल आयन दिया इसलिए हो गया बेस। तो बच्चों इस तरह से आर्गेनियस कॉन्सेप्ट एसिड और बेस को डिफाइन करता है। सेकंड कॉन्सेप्ट में हम लोग चलते हैं जिस पर हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग बात करते हैं, वो हमारा है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट। सेकंड टॉपिक पे आते हैं हम इसके ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। तो जो सेकंड कॉन्सेप्ट है वो पहले वाला जो आर्गेनियस कॉन्सेप्ट है उससे भी ये सुपर है और कुछ आगे बढ़ के बात करता है। चूंकि आर्गेनियस कॉन्सेप्ट में बात कही गई थी कि जो एक्वस सॉल्यूशन में जब हम एसिड और बेस को डिजॉल्व करते हैं तभी वो हाइड्रोजन आयन देता है और तभी हम उसको बेस एसिड कह पाएंगे, और जब बेस की बात करेंगे तो वो जो है जब उसको एक्वस मीडियम में डिजॉल्व करते हैं तो हाइड्रोक्सिल आयन देता है और तब हम उसको बेस कहते हैं। मतलब एक बात कही गई कि अगर एक्वस मीडियम नहीं है तो फिर हम उसको एसिड और बेस प्रूफ नहीं हो पाता, जबकि ब्रॉन्स्टेड और लॉरी इस बात को क्लियर करता है कि एसिड और बेस कैसे हो सकता है। तो उसमें हम लोग ये बात कर सकते हैं कि जैसे ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग क्या है, जो H+ मीन्स प्रोटॉन जो डोनेट करता है वो एसिड होता है, और जो H+ एक्सेप्ट करता है वो बेस होता है।